ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल का मतलब है, ट्रांसमिशन मतलब सीधी सीधी भाषा में गियरबॉक्स समझ लो, गाड़ी में कितने टाइप के गियरबॉक्स है, तीन टाइप के, एक है तुम्हारा मैनुअल, दूसरा आता है एटी, एटी मतलब हो गया तुम्हारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है, और थर्ड तुम्हारा आने लग गया है एएमटी, मतलब ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, तीन टाइप के हैं, तीनों में फर्क क्या है, ये हो गया तुम्हारा क्लच वाला, इसमें क्लच आता है, गाड़ी के अंदर तीन पेडल ए बी और सी, ए बी सी के, एक्सीलेटर, एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच, ठीक है, और इन दोनों में आता है सिर्फ ए और बी, इसमें सी नहीं, मतलब क्लच का पैडल नहीं, इसमें सिंगल क्लच, प्रेशर प्लेट, बैरिंग जो कि तुम खुद दबाओ, ठीक है, क्लच प्लेट, क्लच पैडल, इसके अंदर क्लच प्लेट नहीं, इसके अंदर आता है तुम्हारा टॉप, और इसके अंदर ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा सिंगल क्लच आता है, डबल क्लच आता है, दोनों, मतलब सीधी सीधी भाषा में मैनुअल हो, ये एक्चुअल में मैनुअल ही है, जिससे जो कमांड आएगी वो ऑटोमेटिक है, बस इतना ही, ठीक है, ये तीन टाइप के तुम्हारे गियर बॉक्स है, बस तुम्हारा क्लच वाला मैनुअल जो आता है, दूसरा जिसमें टॉर्क कन्वर्टर है इसमें क्लच नहीं है, और थर्ड में क्लच है टॉर्क कन्वर्टर नहीं है बट ऑटोमेटिक, ठीक है, तो इसकी कमांडिंग जो होती है वो पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसमें टॉर्क कन्वर्टर आएगा और प्लस इसमें आएगी वॉल बॉडी, लेकिन इसके अंदर सब कुछ मिक्स है, ये मोटर पे चलता है, ये सिंगल क्लच मोटर पे चलेगा, ठीक है, डबल क्लच मोटर पे भी है वॉल बॉडी पे भी है, अब हर गाड़ी में डिपेंड करता है कि ज्यादातर गाड़ियां जो क्या कर रही है कि ऑटोमेटिक को एएमटी में ही कन्वर्ट कर रही है, ऑटोमेटिक बहुत कम गाड़ियों में फुल समय एएमटी आता है, ज्यादातर छोटी गाड़ियां जो तुम्हें दिखती है ना 10 लाख से नीचे ऑटोमेटिक वो एएमटी होता है, वो भी सिंगल क्लच डबल नहीं, डबल क्लच तुम्हें 15-20-25 लाख से ऊपर मिलेगा, समझ गए, काम इसकी काम इसका वही है क्लच का ही, अलग कुछ नहीं, जो काम क्लच का है मैनुअल में वही काम इसका है एएमटी में, ठीक है, बट क्या है कि ऑपरेट के टाइम पे तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पैर के पास क्लच नहीं है सिर्फ ब्रेक है, पहले क्लच दबाना पड़ रहा था, इसमें क्लच नहीं दबाना, इसमें सिर्फ ब्रेक दबानी है, ऑटोमेटिकली ब्रेक के साथ क्लच जो है वो दब जाएगा, रीजन ये है, एक रीजन और भी है, क्योंकि क्लच में और ब्रेक में दोनों में जो ऑयल यूज होता है वो ब्रेक ऑयल ही होता है, जो क्लच बैरिंग का जो प्रेस होता है उसमें भी ब्रेक ऑयल यूज होता है और ब्रेक में भी ब्रेक ऑयल ही यूज होता है, दोनों में एक ही के साथ कमांड दी कि ब्रेक दबाएंगे तभी क्लच बैरिंग भी दब जाएगा और ब्रेक भी दब जाएगा, ये रहे